टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी का कंप्लीट क्विज सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। यहाँ ऑप्शंस है छोटी बस्तियाँ, प्राथमिक क्रियाकलाप, कम गतिशीलता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर क्लिक करेंगे ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। सेकेंड क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियों का लक्षण है। यहाँ ऑप्शंस है अपेक्षाकृत बड़ी बस्तियाँ, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत, जीवन का जटिल होना एंड उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी ऑप्शन 4 को क्लिक करेंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, पल्लीकृत बस्तियों का स्थानीय नाम है। यहाँ ऑप्शन है पान्ना, पाड़ा, पाली, उपयुक्त सभी। यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिक्षिप्त बस्तियां कहाँ पाई जाती है। यहाँ आंसर क्लिक करेंगे ऑप्शन 1, पर्वतीय भागों तथा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ एक सत्य कथन है, 75% से अधिक कार्यशील पुरुष गैर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऑप्शन 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ ऑप्शन करेक्ट करेंगे ऑप्शन 4, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक नगरीय जनसंख्या वाली नगरीय केंद्र को प्रथम वर्ग का नगर कहा गया है। यहाँ आंसर में लिखेंगे 1 लाख से अधिक। ऑप्शन 1 को क्लिक करेंगे, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को प्रथम वर्ग का नगर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है। यहाँ आंसर क्लिक करेंगे ऑप्शन 2, 53। तो ये था क्लास 12 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी का कंप्लीट क्विज सॉल्यूशन। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स के क्विज सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।